देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। हम एचएस न्यूज वैन लेकर पहुंच चुके हैं सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र में। सोनीपत लोकसभा सीट पर हैं हम और यहां पर हम गन्नौर क्षेत्र में हैं जहां हम मन्नत हवेली रेस्टोरेंट है उसके बाहर खड़े हैं। हम वहां पे हैं और हम अभी बात कर रहे हैं, बात करेंगे देवेंद्र कादियान जी से जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है। इस बार चुनाव में करीब 1.5 करोड़ नए वोटर्स हैं जो वोट डालेंगे पहली बार। क्या है युवाओं के मुद्दे और इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और देश का युवा किसे चुनेगा अपना नेता, इस पर हम पूरी बातचीत करते हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कादियान जी से। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज पर। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं चुनाव में 1.5 करोड़ नए वोटर्स की जो पहली बार इस बार वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है यूथ कांग्रेस के नेता है आप युवा नेता है, इस बार क्या मुद्दा होने वाला है युवाओं का? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जो मुझे लगता है और देश के नौजवान को लगता है, इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा और जो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो रोजगार की है। आज देश के युवा के सामने यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो रोजगार की है। बहुत अच्छे बड़े लेवल की पढ़ाई करके हमने पिछले दिनों हरियाणा में देखा, 4th क्लास के फॉर्म निकाले हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर हमने देखा BA MA और अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन के नौजवानों ने उसमें आवेदन दिया और नौकरी भी लगे। तो ये दर्शाता है कि बेरोजगारी के हालात इस प्रदेश में और देश में क्या है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव मैदान में आए थे तो उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी और आज जब लगभग 5 साल बीत गए हैं तो आप जब आंकड़ा निकालोगे तो बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा। बहुत सारी स्कीम चल रही है, स्किल इंडिया स्कीम है, बहुत सारे आप देख लें सरकार का डेटा निकाले तो स्किल इंडिया स्कीम के तहत तो बहुत सारे बच्चे निकल कर आए हैं जिनको रोजगार मिला है। मैं भी आपको आंकड़ा ही बता रहा हूँ और फिगर के साथ ही बता रहा हूँ। जो अभी ये तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, हरियाणा में 4th क्लास के लिए इतनी लंबी लाइन लग गई पढ़े लिखे नौजवानों की। 4th क्लास की नौकरी आप भी समझते हैं किस चीज़ के लिए होती, क्या उसका कार्य होता है। जहाँ पर आप खड़े हैं इस रेस्टोरेंट में कितने नौजवान यहाँ पर काम करते हैं, आप उनकी एजुकेशन यदि उनसे पूछोगे और उनका काम यहाँ वेटर का काम करते हैं वो BA MA करके, आज हालात उनके ये है कि उनको सफाई का भी काम करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ इस चुनाव में इस देश में यदि सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो रोजगार का है और बेरोजगारी का है। क्या यूथ कांग्रेस इस बार कांग्रेस के आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, क्या वो इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेंगे? आज से नहीं, मैं कह रहा हूँ वो शुरू से ही उन्होंने युवा की और किसान की बात की है और बेरोजगारी की बात। यहाँ देश में तो पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कहीं शमशान घाट कब्रिस्तान की बात होती है, लेकिन राहुल गांधी जी ने मुद्दे सबसे बड़े जो उठाए हैं वो रोजगार का और किसान का ही उठाया है। और देश में यदि सबसे यदि कोई चिंता करने का यदि कोई विषय है कोई मुद्दा है तो वो यही है कि बेरोजगारी के जो हालात है देश में। युवा आपने बताया कि 1.5 करोड़ नए मतदाता आपकी बार आएंगे, बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आज चुनाव हमारे नज़दीक है, डेट फाइनल होगी। सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जरूर मतदान करें और बहुत सोच समझ के करें, हर चीज की जानकारी लेके अपने कैंडिडेट की भी और हर तरीके से सोच समझ के करें। ये सोनीपत जो ये BJP की सीट है इस बार आप किस तरह से फाइट दे रहे हैं यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए जब पिछले 2014 का जो चुनाव था उस चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए थे। एक चेहरा था नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, राम मंदिर का इशू था, जम्मू कश्मीर का इशू था, धारा 370 का इशू था, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब इस चुनाव में एक नई चीज ये है कि वो सारी चीजें भूल के और एक नेशनलिज्म राष्ट्रीयवाद का एक नई चीज आई है, जहां पर आज जिक्र होना चाहिए था कि कितने आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कितने रोजगार दिए, किसानों के क्या हालात है, जो चर्चा इस देश के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि ये नौजवानों का देश है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है, तो नौजवानों की बात होनी चाहिए ना कि
भारत पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। ठीक है, हमारी सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया। नेता है राहुल गांधी जी, वो किसान कर्ज माफी की बात करते हैं और उसका दावा करते हैं कि हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है वो दावा पूरा किया है। आपको लगता है कि ये किसान कर्ज माफी की बात करके, वादा करके कर्ज माफी का आप चुनाव जीत जाएंगे सर? देखिए, किसान कर्ज माफी का संबंध चुनाव से नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस देश में यदि सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो मैंने बताया जवान और किसान है। किसान की आप बदहाली आप जब देखेंगे जी। और आपने कहा कि आपने किसानी किसान कर्ज माफी को आपने चुनाव से जोड़ा, आप जहां जहां पर आप देखिए कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में है, पंजाब में है, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। आप वहां के आंकड़े उठाइए, वहां के किसानों से बात कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरत इस देश में है क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। वहाँ हम यदि किसानों की सूद नहीं लेंगे, सारा सर्कुलेशन किसानों से चलता है, वो चाहे किसी इंडस्ट्री का हो, किसी हो का। कांग्रेस पार्टी का ध्यान कोई आज से नहीं, कोई एक दो चार पाँच साल से नहीं है, शुरू से ही हमने किसानों के लिए बेहतर योजना लेके आए हैं। और आज हालात ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से उनकी किसानों के प्रति जो उनकी जो दृष्टि रही है, जो उनको ना देखने की उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है किसानों की, इस वजह से मेरे को लगता है आज किसान बेहाल है। और कांग्रेस पार्टी ने जरूर किसानों की बात करी है। और कांग्रेस पार्टी, आप यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं, इस बार कितने युवाओं को आप लेकर आ रहे हैं चुनाव में, कितने युवाओं को टिकट दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर ये सवाल हमेशा रहा है कि राहुल गांधी जी नौजवान है और कितने नौजवानों को मौका मिल रहा है। अभी भी आपके राहुल गांधी नौजवान ही है? 50 जी जी बिल्कुल बिल्कुल नौजवान है, युवा उनकी सोच है, वो युवाओं के बारे में बात करते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के माध्यम से मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, एक आम छोटे किसान परिवार का होकर आज राष्ट्रीय पद पे हूँ। आप तो बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं, हमने सुना है कि आप यहाँ जी जी हमारी संस्था है देवा वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से हम गरीब लोगों के लिए काम करते हैं और एजुकेशन और स्पोर्ट्स में काम करते हैं। आपने सवाल किया राहुल जी का, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी में, यूथ कांग्रेस में सिस्टम है बेनिबिलिटी, जिस हमारे युवा साथी में जितने की क्षमता है, जो अपने क्षेत्र में पहचान रखता है, मजबूती रखता है, उसको हर जगह मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान इंचार्ज हूं, राजस्थान में हमारे 11 साथियों को मौका दिया राहुल गांधी जी। हरियाणा में जब बात चुनाव की है, जब हो रही है चुनाव है, तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी जरूर आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा। आपको लगता है कि इस चुनाव में ये मुद्दा आप लोगों का पीछा करेगा? देखिए, चुनाव में मुद्दा तो सामने वाली पार्टी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ निकाल के ऐसा लेके आए जहां से आपकी जो नाकामी है उस पे पर्दा डले। और मैं समझता हूँ इस देश के सामने यदि सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है आपने वाड्रा जी का सामना लेके आए, लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं। परेशानी तो है, आपको लग रहा है कि हमें ये किसी मुद्दा ऐसा है नहीं 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 चुनाव में परेशानी हमें है? परेशानी इस बात से है कि जब आप वाड्रा जी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, मामले तो आपके ऊपर भी हैं, आपके ऊपर भी देश जवाब मांग रहा है राफेल के ऊपर, आपने अपनी जांच क्यों नहीं कराई? यदि आप इतने फेयर हैं, इतनी पारदर्शिता से सरकार चला रहे हैं, जो आप छाती पीट पीट कर बोल रहे हैं कि भाई मेरे जैसी सरकार कोई चला नहीं सकता, तो अपनी जांच भी कराइए। हम चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की भी हो, यदि उसने कुछ किया है तो उसको सजा हो, लेकिन आपको भी हो, आप भी अपनी जांच कराइए। चलिए देखते हैं इस बार चुनाव में यूथ कांग्रेस कितना दम लगाती है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने के लिए। हम देखते हैं कि देवेंद्र जी राहुल गांधी से कितने सिफारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लेकर आए। आप बने रहिए हमारे साथ एचएस न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी वैन जो है आपके लिए लेकर आएगी हर सीट की, हर संसदीय सीट की सटीक खबर और सटीक विश्लेषण। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।